नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच देश में विकसित हो रही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि कोवैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा। देखिए रिपोर्ट। भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी यह वैक्सीन कारगर है। यह साबित हो गया है। कंपनी ने कहा कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों में वैक्सीन की प्रतिरक्षा जनकता का पता चला है। भारत बायोटेक ने खास तरह से बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। CDSCO ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। भारत बायोटेक ने 20 बंदरों को 4 समूहों पर बांटकर रिसर्च किया। एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, जबकि बाकी 3 ग्रुप्स को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरी डोज देने के बाद सभी बंदरों को SARS-CoV-2 से एक्सपोज किया गया। वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने से तीसरे हफ्ते से बंदरों में कोविड के प्रति रिस्पॉन्ड डेवलप होना शुरू हो गया था। वैक्सीन पाने के बाद किसी भी बंदर में निमोनिया के लक्षण नहीं मिले। ICMR, NIV और भारत बायोटेक ने मिलकर डेवलप किया है। भारत बायोटेक ने 29 जून को ऐलान किया था कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है। ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। यह उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनती है जिन्हें मार दिया गया था ताकि ये इन्फेक्ट न कर पाए। कोविड का यह स्ट्रेन पुणे की NIV लैब में आइसोलेट किया गया था। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। भारत में बनी पहली कोरोना कोवैक्सीन का फेज 1 ट्रायल 15 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। देश भर में 17 लोकेशंस पर फेज 1 ट्रायल हुआ। कोवैक्सीन ट्रायल की सारी डिटेल ICMR को भेज दी जाएंगी। वहीं पर डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। दिल्ली स्थित एम्स में कोवैक्सीन का फेज 2 ट्रायल शुरू हो गया है। रेवाड़ी के गांव खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्हें 0.5 ml की डोज देने के बाद 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर अगले 7 दिन तक उनके टच में रहेंगे। 28 दिन बाद प्रकाश को दूसरी डोज दी जाएगी। भारत में कम से कम 7 कंपनियां, भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट समेत 5 और कंपनियां वायरस की अलग अलग वैक्सीन पर काम कर रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है, जबकि बाकी जारी है। आमतौर पर वैक्सीन डेवलप करने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के चलते दुनिया भर में रिसर्च ने युद्ध स्तर पर काम किया है। कोवैक्सीन के फेज 1 ट्रायल डेटा को DCGI के सामने रखना होगा। वहां से फेज 2 ट्रायल की परमिशन मिलेगी, जिसमें 750 पार्टिसिपेंट होंगे। तीसरे स्टेज में 1000 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। भारत बायोटेक को उम्मीद है कि उसकी वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।